हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक श्रीवास्तव, स्वागत है आपके अपने चैनल सेफ्टी इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम, या इसे हम PTW मतलब परमिट टू वर्क भी कहते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, जिसमें हम हॉट वर्क, कोल्ड वर्क और हाई रिस्क के डिफिनीशंस, एग्जाम्पल्स, इनके वैलिडिटी, रीवैलिडिटी और डिनोटिंग कलर के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यह वर्क परमिट सिस्टम का पार्ट वन है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम है क्या? वर्क परमिट सिस्टम इज अ रिटन रिकॉर्ड इशूड बाई ऑथोराइज पर्सन दैट परमिट्स अ स्पेसिफिक टास्क फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इन अ डिफाइंड एरिया। मतलब वर्क परमिट सिस्टम ऑथोराइज पर्सन के द्वारा जारी एक लिखित रिकॉर्ड है, जो एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा के लिए एक खास कार्य की अनुमति देता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली यह एक फॉर्म होता है जिसे हम ऑथोराइज्ड पर्सन से अनुमति लेकर किसी काम को शुरू करने से पहले फिल करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है और कितने समय के लिए करना है। फ्रेंड्स, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको वर्क साइट पर किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इस फॉर्म को फिलअप करना मैंडेटरी होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क परमिट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैजार्ड्स, यानी हैजार्ड के बेसिस पर वर्क परमिट तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हॉट वर्क, जिसे हम रेड से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं हॉट वर्क है क्या। हॉट वर्क एनी वर्क दैट क्रिएट्स द सोर्स ऑफ इग्निशन और हीट इज कॉल्ड हॉट वर्क, यानी ऐसा कोई भी काम जो इग्निशन और हीट के सोर्स को पैदा करता है उसे हॉट वर्क कहते हैं। मतलब कोई काम जिससे फ्लेम, हीट और स्पार्क निकलता हो, जिससे आग लगने की संभावना हो, तो उसे हम हॉट वर्क कहते हैं। और इसके लिए हम पर जो परमिट लेते हैं उसे हॉट वर्क परमिट कहते हैं। फ्रेंड्स, हॉट वर्क की वैलिडिटी मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए होती है और इसकी रीवैलिडिटी प्रत्येक 12 घंटे के बाद होती है। आइए फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वेल्डिंग, हीटिंग, फ्लेम कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिल्स, शॉर्ट ब्लास्टिंग, ETC। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है कोल्ड वर्क, इसे हम ब्लू से डिनोट करते हैं। कोल्ड वर्क है क्या। एनी वर्क दैट डज नॉट क्रिएट सोर्स ऑफ इग्निशन और हीट इज कॉल्ड कोल्ड वर्क। फ्रेंड्स, यह हॉट वर्क के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी ऐसा कोई भी काम जो इग्निशन और हीट के सोर्स को पैदा नहीं करता है उसे कोल्ड वर्क कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी काम जिससे फ्लेम, हीट और स्पार्क नहीं निकलता हो उसे हम कोल्ड वर्क कहते हैं। और इसके लिए हम जो परमिट लेते हैं उसे कोल्ड वर्क परमिट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वैलिडिटी 3 to 7 डेज के लिए होती है और इसकी रीवैलिडिटी प्रत्येक 12 घंटे के बाद होती है। आइए फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रश पेंटिंग, कास्टिंग, एक्सकवेशन मोर देन 1.2 मीटर डीप, वर्क ऑन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर एक्सकवेशन 1.2 मीटर से अधिक हो तो ये कोल्ड वर्क है, नहीं तो ये हॉट वर्क में आएगा। फ्रेंड्स, अगला है हाई रिस्क, इसे हम ऑरेंज से डिनोट करते हैं। इसे हम रूटीन प्रोसीजर भी कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हाई रिस्क है क्या। एनी वर्क दैट इज रिलेटेड विथ लिफ्टिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड हाई रिस्क, यानी कोई भी काम जो लिफ्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड होता है उसे हम हाई रिस्क कहते हैं। और इसके लिए हम जो परमिट लेते हैं उसे हाई रिस्क परमिट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वैलिडिटी एवरी लिफ्टिंग वर्क मतलब प्रत्येक लिफ्टिंग वर्क के लिए अलग अलग होती है। और फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हेवी लिफ्ट, क्रिटिकल लिफ्ट, स्ट्राइकिंग, ETC। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इसके दूसरे भाग को अगले वीडियो में देखेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।